ये कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन की जो वैसे दिखने से और वजाकता से और अपनी कंपनी के शेयर से तो एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन था, पर इसकी साथ ही साथ डार्क साइड भी थी जो इसको इसके क्राइम की दुनिया तक ले जाएंगे, ये इसको बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये कहानी है जो क्राउच की, जो एक लेंडिंग कंपनी का ऑनर था और इसकी ये कंपनी एक टाइम पे एक अच्छे बिजनेस रेवेन्यूज अर्न कर रही थी, बट इसको साथ ही साथ गैम्बलिंग की आदत थी और गोल्फ पे बैटिंग की आदत थी। बिजनेस से फारिग होने के बाद मैक्सिमम जो टाइम था वो गैम्बलिंग में गुजारा करता था। गैम्बलिंग की इसकी आदत तब ज्यादा बढ़ गई जब इसके ऑफिस के बिल्कुल ही साथ एक कैसीनो खुल गया। उस कैसीनो में ये अपने दोस्तों के साथ सारी सारी रात बैठकर वहां जुआ खेला करता था। जब ये जुआ हारकर अपने घर जाया करता था तो इसकी बीवी की तरफ से इसको काफी ज्यादा मेंटल टॉर्चर देखना पड़ता था, बिकॉज ऑब्वियसली वो इससे इस बातों पर चिल्लाती तुम अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा जुए में उड़ा रहे, बट क्योंकि इसके जो लेयर टाइम था वो हमेशा जुए में गुजारता था और गोल्फ में बैटिंग में गुजारता। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ मैन जिसकी गैम्बलिंग की आदत, जिसकी बैटिंग की और जुए की आदत उसको जेल तक किस तरह ले गई। जो क्राउच एक लैंडिंग कंपनी का ऑनर था जो कि अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहना था, ये साथ ही साथ जुए और बैटिंग में काफी ज्यादा इंडल्ज हो रहा था जिससे इसकी बीवी इसको अक्सर रोका करती। इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट यहाँ शुरू होता है जब ये कैसीनो में जुए में अपने दो बड़े चेक जो कि 80,000 डॉलर के होते हैं वो हार जाता है। वो हार कर ये काफी ज्यादा डिप्रेशन में जाता है, पर ये अपनी बीवी को बताने से डर रहा होता है बिकॉज इसको पता होता है कि इसकी बीवी इसको काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाली है। एज एक्सपेक्टेड इसकी बीवी इससे काफी ज्यादा लड़ती है और वो इसके लिए काफी ज्यादा डेवेस्टेटिंग एक्सपीरियंस होता है, और उसी रेज में उसी गुस्से में ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बीवी को मार कर यहां से भाग जाए। मई 2001 में इसको एक कॉल आती है और उस कॉल में एक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो बताता है कि बैंक ने आपके खिलाफ एक केस फाइल किया है जिसमें उन्होंने बताया कि आपने दो बड़े चेक जो कि 80,000 डॉलर के बैंक को रिटर्न अभी तक नहीं किए, जिसकी वजह से इस पे केस फाइल होगा, जिसपे इनकी और ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि इसने डिसाइड किया होता है कि अपनी बीवी को मार कर उससे फ्रीडम लेके अपने जुए की जो लत है उसको पूरा करने के लिए किसी भी तरह इससे छुटकारा पाए। तो एक शाम अपनी बीवी को अपनी एक हैंड गन जो कि ग्लॉक 9mm थी उससे मार कर भाग जाता है और भाग कर एक लेटर लिखता है अपने बच्चों को कि मैंने अपनी बीवी को इसलिए मारा है क्योंकि बैंक ने उनसे उनकी गाड़ी, उनका घर और सारी जो बिलोंगिंग्स थी वो ले लेनी है, क्योंकि ये जानता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसने सिर्फ गुस्से में उसको मारा है बिकॉज वो उसका जुए में उसका साथ नहीं दे रही। उसी के बाद ये 300 किलोमीटर दूर जाने के बाद अपने ब्रदर इन लॉ को कॉल करता है और बताता है कि मैंने अपनी बीवी को मार दिया। सो जो के खिलाफ उसके बच्चे और उसका ब्रदर इन लॉ पुलिस में केस फाइल कर देते हैं और वो फर्स्ट डिग्री मर्डर का होता है। अब जो क्योंकि रन पे होता है और पुलिस इसके पीछे होती है और इसके पास पैसे भी नहीं होते, तो इसके पास सिर्फ इसकी बीवी का वो क्रेडिट कार्ड होता है जो उसको मारने के बाद उठा लिया होता है। सो ये कोशिश करता है कि एटीएम में जाके वहां से पैसे निकलवा पाए। जब एटीएम में जाता है वहां से पैसे निकलवाने लगता है तो कुछ इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से उसका मैनेजर इसको कहता है कि आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, क्योंकि इसके दिल में चोर होता है। तो ये वहां से भाग जाता है और फौरन ही उस जगह को छोड़कर कुछ पैसे जो इसके पास बचे होते हैं एक होटल में रूम लेता है और वहां बैठ के अब काफी सारी प्लानिंग्स कर रहा होता है। प्लस इसको इसकी जुए की जो लत होती है वो भी काफी ज्यादा ट्रिगर कर रही होती है क्योंकि उसने काफी टाइम से जुआ नहीं खेला होता और इसको खाने पीने के लिए और रहने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। इसके पास जो इसकी गन होती है उससे ये गैस स्टेशन के बाहर जाके ठहर जाता है और वेट करता है कि जब वहां रश कम होगा तो ये अंदर जाके उनको रॉब कर लेगा। तो ऐसा ही होता है कि ये वेट करता है और जब वहां रश कम होता है तो ये अंदर जाकर कैश काउंटर पे अपनी गन पॉइंट करता है और उसको डराता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इसको वहां से $300 मिलते हैं, वो ये $300 लेके फिर अपने रूम में चला जाता है और टीवी ऑन करके अपनी रात वैसे ही गुजार देता है। ये अपनी जिंदगी का सबसे पहला बैंक लूटने जाता है 5 दिसंबर 2001 को, और उस बैंक को लूटने के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है बिकॉज इससे पहले इसने सिर्फ दुकानें लूटी होती हैं या गैस स्टेशन लूटे होते हैं, बट ये उस टाइम ये सोच लेता है कि ये अब इसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं। सो ये कॉन्फिडेंट होके जाता है मैनेजर के पास और उसको कहता है जहां पैसे पड़े हैं मुझे तो वहां ले जाओ। वहां से ये $9,000 रॉब करता है और इसके बाद वो दूसरा बैंक लूटता है जहां से इसको $12,000 मिलते हैं और थर्ड बैंक लूटता है जहां से $40,000 मिलते हैं। और ये आप जान के जरूर हैरान होंगे कि अपनी इसने टोटल जिंदगी टोटल 20
29 बैंक्स को रॉब किया और 30th बैंक को जब ये रॉब करने जा रहा था तो इसको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने इसको इसलिए पकड़ लिया बिकॉज इसने इससे पहले इतने ज्यादा बैंक लूट लिए थे, ये पुलिस की अब टॉप वांटेड लिस्ट में आ गया था। ये एक लग्जरी रिजॉर्ट में रहने लग गया जहाँ एक कैसीनो था, एक गोल्फ कोर्स था, जहाँ इसे अपने शौक पूरे करने लग गया गैम्बलिंग और गोल्फ में बैटिंग के। और इसने वहाँ एक फेक नेम से अपने जो रेजिडेंसी थी वो कायम रखी जो थी जे नेल्सन की, और लोगों को ये बताता था कि एक रिटायर्ड विडोड पर्सन है जिसकी बीवी मर गई है काफ़ी टाइम पहले, सो ये अपनी ज़िंदगी का आखिरी टाइम यहाँ गुजारेगा। तो ये अपने बच्चों को एक लेटर लिखता है और उसमें बताता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, बट जो भी हुआ इसकी ज़िंदगी में उस सब चीज़ों को भुला कर एक दफ़ा लास्ट टाइम अपने बच्चों को मिलना चाहता हूँ। जब इसके बच्चों के पास वो लेटर पहुँचता है वो लेटर फ़ौरन पुलिस के हवाले करते हैं और पुलिस फ़ौरन FBI को उसमें इन्वॉल्व कर लेती है। एक शाम ये अपनी गाड़ी में अपने रिजॉर्ट में वापसी जा रहा होता है कि अपने रिजॉर्ट के बाहर काफ़ी सारी पुलिस वाली गाड़ियों को देखता है और ये डर कर वहीं बाहर ही ठहरा रहता है और सोचता है कि ये शायद इसी को पकड़ने आए हैं, बट वो कोइंसिडेंटली किसी और केस में वहाँ आए होते हैं, सो ये उस दिन भी बच जाता है। अब ये सोच के आप ज़रूर हैरान होंगे कि इसके क्राइम्स में किस्मत ने इसका बहुत ज़्यादा साथ भी दिया था, बट किस्मत इसको कब तक बचाती। और एक दिन ऐसा होता है कि पुलिस इसके रिजॉर्ट के बाहर दोबारा आके खड़ी होती है, बट इस टाइम वो इसी के लिए आई होती है और जो कोई इस चीज़ का शक ज़रूर हो जाता है, बट वो चुप करके अपने कमरे में ही खुद को लॉक कर लेता है। स्मोक ग्रेनेड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसके कमरे में स्मोक हो जाता है और इसको ये लगता है कि शायद जो रिजॉर्ट है उसमें आग लग गई है, बट इसी कन्फ्यूजन में अचानक से एक ज़ोरदार दरवाजे की स्मैश की आवाज़ आती है और पुलिस अंदर आती है और उनके साथ FBI भी होती है और इसको अरेस्ट करके ले जाया जाता है। ऑन ट्रायल्स इसके खिलाफ जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए उनमें बैंक को रॉब करना, फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्ज अगेंस्ट हिज वाइफ और फेक आइडेंटिटी शो करना, जिसकी बेस पे इसको 51 ईयर्स की सजा होती है। प्लस मैं आपको ये बताता चलूँ कि अपनी बीवी को मर्डर करने के बाद और बैंक को लूटने तक 21 महीने ये पुलिस की नज़र से गायब रहा और ये अपने क्राइम और गैम्बलिंग की जिंदगी एंजॉय करता रहा। और ये थोड़ा सा हैरान हुआ मैं रिसर्च में कि ये अपनी स्टेटमेंट में बताता है कि मुझे पता ही था कि एक दिन तो मुझे पुलिस ने पकड़ ही लेना, बट मैंने अपनी उन 21 महीनों का एक एक दिन बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है। तो ये कहानी थी एक मल्टी मिलियनेयर की जो कि सीधी साधी लेंडिंग कंपनी चला रहा था और एक अच्छी कंपनी चला रहा था और एक अच्छी फैमिली थी, बच्चे थे और वेल डेवलप्ड फैमिली से इसका ताल्लुक था, बट इसकी एक आदत जो कि गैम्बलिंग की थी, बैटिंग की थी, जुए की थी, वो इसको किस तरह क्राइम, मर्डर और बैंक लूटने तक ले आई और उसी सफ़र का एंड जेल में हुआ। सो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो अगली केस स्टडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।